Hello students, welcome to VN Science. In this particular video, we are going to discuss Standard 8 Science Chapter Number 9, which is Disaster Management. This exercise solution, we will discuss question answers and objectives. So let's see. Question number 1 yahan par kya hai? Answer the following question in your own words. Sabse pehla question hai. Explain the relation between continuous rains and landslide, give reasons. तो देखो सबसे पहले यहाँ पर मतलब क्या है कि continuous rain, continuous rain मतलब obviously heavy rains आ रही है, rains रुक नहीं रही है, heavy rains हो रही है, तो ये एक reason है landslide का. very often most of ये reason होता है और hilly areas में तो ये बहुत ज़्यादा होता है, landslide due to heavy rains. तो यहाँ पर जैसे कि हैवी रेन्स होती है तो जो ग्राउंड वाटर का जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, रैपिड राइज हो जाती है ग्राउंड वाटर में, जिसके वजह से जो ग्राउंड वाटर का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है. और रैपिड राइज इन ग्राउंड वाटर लेवल्स इन रिस्पॉन्स टू हैवी रेन्स फॉल कॉजेस एन इंक्रीज इन द ग्राउंड वाटर पोर प्रेशर. तो ग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज हुआ, उसके वजह से ग्राउंड वाटर का प्रेशर इंक्रीज हो गया. अब इस जो ग्राउंड वाटर का प्रेशर है उसके वजह से जो स्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप मटेरियल है, जो भी लैंड है एरिया है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब्ड हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है, इसके वजह से वो जो लैंड है वो फॉल ऑफ हो जाता है. और ऑब्वियसली जो रेनफॉल्स हैं, हैवी रेनफॉल्स, वो सॉइल इरोजन करते हैं. सॉइल इरोजन का मतलब है कि जो सॉइल है उस पर्टिकुलर एरिया में, लैंड में, वो वॉश ऑफ हो जाएगा ड्यू टू वाटर मूवमेंट. ये भी एक रीजन है कॉजेस ऑफ लैंडस्लाइड. क्वेश्चन नंबर 2, प्रिपेयर ए चार्ट शोइंग डूज एंड डोंट्स एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक. तो जब अर्थक्वेक आया हुआ है तो डूज क्या करना चाहिए हमें अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने बिलोंगिंग्स को सेफ रखने के लिए, एंड डोंट्स क्या नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए उसे. तो ये चीजें हमें करनी चाहिए और ये चीजें हमें नहीं करनी चाहिए. क्या करना चाहिए? इफ यू आर एट होम, अगर आप एक घर में हो जब अर्थक्वेक आया है, तो ईदर सिट ऑन द फ्लोर और बिलो द बेड और एनी अदर फर्नीचर एंड कवर योरसेल्फ अंटिल द मोमेंट ऑफ द अर्थ स्टॉप. इफ देर इज नो टेबल और एनी अदर शेल्टर, देन सिट इन एनी कॉर्नर ऑफ द रूम एंड कवर योर हेड बाय फोल्डिंग योर हैंड्स अराउंड इट. तो ऑब्वियसली आपको अपने आप को कवर करना है कि आप टेबल के अंदर शेल्टर ले लीजिए या फिर बेड के नीचे जो स्पेस होता है, काफ़ी बार होते हैं बेड्स में, वहाँ पे शेल्टर लेना चाहिए थोड़े टाइम. या फिर अगर कोई ऐसा शेल्टर अवेलेबल नहीं है, सो सिट इन द कॉर्नर ऑफ योर रूम एंड कवर योर हेड बाय फोल्डिंग हैंड्स. ये तो समझ आएगा कि करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अवॉइड क्या करना चाहिए. अवॉइड यूजिंग लिफ्ट इन मल्टी स्टोर बिल्डिंग. मल्टी स्टोर मतलब बहुत सारी 20-50 फ्लोर्स की जो बिल्डिंग होती है वहाँ पे लिफ्ट होती है. ऑब्वियसली स्टेयरकेस इतना होती है स्टेयरकेस, बट कोई यूज़ नहीं करता क्योंकि इतना जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो लिफ्ट से शॉर्ट टाइम में हो जाता है. तो अवॉइड करना चाहिए एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक, इंस्टेड यूज स्टेयरकेस. इफ यू आर इन द व्हीकल और आउटसाइड द हाउस, अगर आप घर में नहीं हो, आउटसाइड हो, व्हीकल में हो, तो व्हीकल में आप एक सेफ प्लेस पर पार्क कर सकते हो एंड सिट इनसाइड इट. बट कॉशन ये है कि वेट नहीं करना नियर टॉल बिल्डिंग, क्योंकि टॉल बिल्डिंग हो सकता है गिर जाए, ट्रीज गिर सकती है या इलेक्ट्रिक पोल, तो इनके आसपास नहीं, ओपन एरिया में थोड़ा सा व्हीकल पार्क करके आप यू कैन सिट देयर. डू नॉट सिट इन डिस्कम्फर्ट फॉर लॉन्ग, डू सम फिजिकल मूवमेंट. तो एक जगह आप डिस्कम्फर्ट में नहीं बैठ सकते, थोड़ा आपको फिजिकल मूवमेंट्स करने पड़ेंगे. मूव अवे फ्रॉम ग्लास विंडोज, क्योंकि जो ग्लास विंडोज है वो क्रैक हो जाती है, हो सकता है, तो उनसे अवे ही रहना. और डोर जो भी ग्लास की होती है. आफ्टर द अर्थक्वेक देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फायर, हेंस टू अवॉइड केयरफुली स्विच ऑफ द मेन, जो मेन इलेक्ट्रिसिटी की स्विच होती है, मेन जिसे हम कहते हैं, उससे हमें स्विच ऑफ कर देना है, बंद कर देना है.
एट द टाइम ऑफ अर्थ क्यू, क्योंकि फायर की पॉसिबिलिटी हो सकती है, करेंट की वजह से फायर लग सकता है। कैंडल्स हमें यूज नहीं करने, लैंटेन्स हमें यूज नहीं करने, मैच बॉक्स यूज नहीं करना। तो क्या यूज करना है लाइट के लिए? टॉर्च यूज कर सकते हैं, मोबाइल की बैटरी जो टॉर्चेस होती है वो आपने यूज करना है एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ एन अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग। काफी बार हम कहते हैं जापान में कि अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग होती है, तो क्या मतलब कितना भी अर्थक्वेक आता है वो हिलेगी नहीं बिल्डिंग, ऐसा नहीं होता। बट एक अप टू सर्टेन एक्सटेंट की थोड़ा सा 7-8 मैग्नीट्यूड का आता है वो बिल्डिंग झेल लेता है, मतलब ठीक है वो कुछ नहीं हुआ बिल्डिंग को। अगर ये अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग नहीं होता जितने भी एक लिमिट तक, तो वो थोड़े से 5-6-7 मैग्नीट्यूड पे ही पूरी बिल्डिंग गिर जाती है ना, तो उसको भी थोड़ा सा प्रिवेंट करने के लिए अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग बनाई जाती है। द कंस्ट्रक्शन विच डू नॉट गेट डैमेज ड्यू टू अर्थ मूवमेंट्स अप टू सर्टेन लिमिट, एक पर्टिकुलर लिमिट तक मैंने जैसे बताया, उसे हम कहते हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग। एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन। मॉडर्न इक्विपमेंट लाइक लेजर रेंजिंग, लॉन्ग बेस लाइन, गीगर काउंटर, क्रीप मीटर, स्ट्रेन मीटर, टाइड गॉज, टिल्ट मीटर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन गॉज आर यूज। तो ये जितने भी इक्विपमेंट्स है आपको डिटेल में नहीं समझना, बस आप नेम लिख सकते हो कि ये मॉडर्न इक्विपमेंट यूज करते हैं हम वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग। टू कंस्ट्रक्ट टॉल बिल्डिंग्स इंडिया स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हैज सेट सम कोड ऑफ कंडक्ट, दैट इज IS 8393-1893 क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड IS 13920 डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ री इन्फोर्स कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू सिस्मिक फोर्सेस। तो ये इंडियन गवर्नमेंट ने एक जो कोड ऑफ कंडक्ट है कि कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है टॉल बिल्डिंग्स की, कितनी भी टॉल्स नहीं हो, कितनी भी टॉल बिल्डिंग नहीं हो सकती, कुछ लिमिट होनी चाहिए और वो पर्टिकुलर लैंड पर वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वो भी देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये उसका कोड ऑफ कंडक्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर, एक्सप्लेन द साइड इफेक्ट्स ऑफ जो इफेक्ट्स होते हैं, रिवर्स फ्लड हो जाते हैं, अपने पाथ चेंज कर लेते हैं वो, डिस्प्लेसमेंट होती है, वाटरफॉल्स की फॉर्मेशन होती है, आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वॉयर कहीं पे भी पानी जम जाता है वहां से फिर प्रॉब्लम होती है, रोड पे पानी ब्लॉकेज कॉज करता है, देयर इज लाइफ एंड फाइनेंशियल लॉस होती है, ऑब्वियसली फाइनेंशियल लॉस होती है, ट्रीज बिल्डिंग रॉक्स ये सब स्लोप गिर जाते हैं क्योंकि लैंडस्लाइड ही हो चुका है पूरा, लैंडस्लाइड इफेक्ट करता है ट्रैफिक को, लैंडस्लाइड डिस्ट्रॉय करता है प्लांट लाइफ ऑन इट। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन डैम एंड अर्थक्वेक? यस, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन डैम्स एंड अर्थक्वेक। डैम्स कॉज करते हैं अर्थक्वेक ड्यू टू चेंज इन स्ट्रेस बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द वाटर और बाय इंक्रीज ग्राउंड वाटर पोर प्रेशर। तो अगर हैवी रेन्स आ गई, ग्राउंड वाटर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, है ना, या फिर अगर डैम्स में पानी ज़्यादा वेट कल ज़्यादा पानी आ गया रिवर से, ज़्यादा स्टोर करके रखा हुआ है वाटर, वेट इंक्रीज हो जाएगी उसकी। द इंक्रीज ग्राउंड वाटर पोर प्रेशर लीड्स टू डिक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक। तो ऑब्वियसली जो रॉक है वो उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी अंडर द रिजर्वॉयर जिसने पानी को होल्ड करा है। द एक्स्ट्रा वाटर प्रेशर क्रिएटेड इन द माइक्रो क्रैक्स, क्योंकि जो भी होता है वो रॉक का ही बना हुआ रहता है ना, जो भी मटेरियल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है डैम्स के वो रॉक के बने हुए रहते हैं। द एक्स्ट्रा वाटर प्रेशर क्रिएटेड इन द माइक्रो क्रैक्स एंड फिशर्स इन द ग्राउंड अंडर द एंड नियर द डैम्स कॉज अर्थक्वेक। ऑब्वियसली जो वाटर के वजह से, ग्राउंड वाटर के वजह से जो प्रेशर है क्रैक्स आती है वो जो भी डैम का एरिया है और उसके सराउंडिंग पे जो ग्राउंड का एरिया है वहाँ पे, जिस वजह से अर्थक्वेक आ सकता है। टू डिस्कस करते हैं, गिव साइंटिफिक रीजन। सबसे पहला क्वेश्चन है, इट इज सेफर टू फाइंड शेल्टर अंडर थिंग्स जैसे कि बेड टेबल एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक।
अर्थक्वेक कॉज सडन वाइब्रेशंस ऑफ द अर्थ सरफेस, क्योंकि जो अर्थ सरफेस है वो वाइब्रेट करने लगते हैं, जिससे जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक कबोर्ड फैंस, सीलिंग फैंस, वो गिर सकते हैं। आप अगर इफ किसी पर्सन पे, इंडिविजुअल पे वो गिर जाए तो डैमेज हो सकता है, उससे सीवियरली इंजर्ड हो सकता है वो, इवन डेथ हो सकती है ड्यू टू सीरियस इंजरीज। तो हमें क्या करना है, टेकिंग शेल्टर अंडर बेड या टेबल, जो प्रोटेक्ट करेगा इंडिविजुअल्स को फ्रॉम गेटिंग इंजर्ड बाय फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। देयरफॉर इट इज सेफर टू फाइंड शेल्टर अंडर थिंग्स लाइक अ बेड, टेबल एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। सेकेंड क्वेश्चन है, इन मानसून्स डोंट टेक शेल्टर नियर हिल साइड। हिल स्लाइड जो पहाड़ी इलाका होता है वहां पे लैंडस्लाइड ज्यादा हो सकती है मानसून में। जब हैवी रेन्स होती है तो ऑब्वियसली जो चांसेस है लैंडस्लाइड का वो और इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग हैवी रेन्स। अ पर्सन टेकिंग शेल्टर नियर अ हिल, अंडर द हिल, हैव टू फेस लाइफ थ्रेटनिंग, जान भी बात आ जाएगी उसके की, डेथ हो सकती है उसकी ड्यू टू लैंडस्लाइड हो गया अगर, तो और चांसेस ज्यादा ये लैंडस्लाइड के क्योंकि हैवी रेन्स हो रही है। द स्लोपिंग एरिया ऑफ द हिल, जो स्लोप होता है ऑब्वियसली हिल का, वो स्लाइड हो सकता है एंड पर्सन गे मे गेट ट्रैप्ड अंडर द मड, रॉक, सॉइल या ट्रीज, उसके ऊपर ही गिर जाएंगे। तो मानसून में हमें अवॉइड करना चाहिए टेकिंग शेल्टर नियर हिल स्लाइड। थर्ड क्वेश्चन है, डोंट यूज लिफ्ट एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। मैंने पहले बताया कि अर्थक्वेक के टाइम पे लिफ्ट नहीं यूज करना चाहिए, स्टेयरकेस यूज करना चाहिए। इन केस ऑफ अर्थक्वेक इलेक्ट्रिक पावर मे गेट कट, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर कट कर देते हैं जब अर्थक्वेक आता है, तो जो पीपल हैं जिन्होंने लिफ्ट लिया है वो ट्रैप हो जाएंगे उसमें फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि पता नहीं होता कभी तक अर्थक्वेक चलेगा एंड और फायर लगने के चांसेस होती हैं। अगर अर्थक्वेक स्ट्रांग है देन इट कुड कॉज एलिवेटर। अगर अर्थक्वेक स्ट्रांग है तो जो एलिवेटर है वो फॉल कर जाएगा बॉटम पे बहुत स्पीड पे, उसमें जो पर्सन होंगे उनको सीवियर इंजरीज हो सकती हैं इस वजह से। ऑल्सो चांसेस है फायर के ड्यू टू इलेक्ट्रिक स्पार्क्स, तो लिफ्ट तो अवॉइड करना ही चाहिए ड्यूरिंग अर्थक्वेक। फोर्थ क्वेश्चन है, द फाउंडेशन ऑफ अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग इज सेपरेटिव फ्रॉम द अदर लैंड। क्या मतलब है इसका कि जो जो जिस पर बिल्डिंग बनी है अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग और जो जो एक्चुअल लैंड है उनके बीच में सेपरेशन होती है कुछ। यस, द पर्पस ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग इज टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सेफ्टी बाय कंट्रोलिंग द डिस्प्लेसमेंट विद इन द पर्टिकुलर लिमिट्स। कुछ पर्टिकुलर लिमिट्स तक ही हो सकता है। द सिस्मिक डिजाइन स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व सेपरेटिंग द बिल्डिंग फ्रॉम द फाउंडेशन, जो भी उसका बेस एरिया होगा उसकी थोड़ा सा सेपरेट डिस्टेंस होगी बिल्डिंग की, टू एब्जॉर्ब शॉक ऑकरिंग ड्यू टू द अर्थक्वेक, इसे हम कहते हैं बेस आइसोलेशन। द फाउंडेशन ऑफ अ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग आर डिजाइन ड्यू टू रिड्यूस, जिसमें जो फोर्सेज होंगी अर्थक्वेक की उनको रिड्यूस करना है बाय चेंजिंग द स्टिफनेस ऑफ द स्ट्रक्चर्स। देयरफॉर द फाउंडेशन ऑफ अर्थक्वेक बिल्डिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर लैंड। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, इफ अ क्राउड गैदर्स एट अ प्लेस ऑफ अर्थक्वेक व्हाट वुड बी द डिफिकल्टीज इन रिलीफ वर्क। अगर एक प्लेस पर अर्थक्वेक आ गया और वहां पे क्राउड गैदर हो जाता है, बहुत भीड़ जमा हो गई है, तो क्या डिफिकल्टीज होंगे रिलीफ वर्क में। आंसर इज यस। कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है हमें, जो क्राउड गैदरिंग है वर्क पे जिस प्लेस पे अर्थक्वेक आया है वो अवॉइडेबल सिचुएशन हमें होनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है उनको डिफिकल्टी होगी, जो पीपल इंजर्ड है अर्थक्वेक में वहां पे पहुंचने में, एम्बुलेंस और जो रेस्क्यू टीम होती है उनको भी डिफिकल्टीज होंगी अफेक्टेड पीपल तक पहुंचने में और उनको हेल्प करने में। टेम्पेड लाइक सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे धक्का मुक्की वाली सिचुएशन होती है, जहाँ पे और इंजरीज हो सकती है बाकी लोगों को और लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन हमें अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेक अ लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस हु प्रोवाइड हेल्प फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर वर्क। तो
सबसे पहले यहाँ पर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, एमरजेंसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, फेडरल एमरजेंसी मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एमरजेंसी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एंड मोरियर, नेशनल सिविल डिफेंस, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी, जॉइंट असिस्टेंस सेंटर, सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट महाराष्ट्र के लिए यहाँ पर। और आपके पास और भी इंस्टीट्यूट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप सर्च कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द अबो इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 5, मेक अ लिस्ट ऑफ सर्वे ऑफ योर स्कूल अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड राइट अ पॉइंट वाइज इंफॉर्मेशन। तो ये जो एक्टिविटी है ये स्टूडेंट खुद ही परफॉर्म कर सकता है, यहाँ पर मैं प्रॉपर आंसर नहीं दे पाऊंगा, बट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 65 पे एक चार्ट दिया हुआ है ऐसे, जहाँ पे मेन पॉइंट्स लिखे हैं और थिंग्स टू बी नोटेड है। तो यहाँ पर जो स्कूल की इंफॉर्मेशन है वो आपके स्कूल की, वो यहाँ पर लिखना होगा कि प्राइमरी इंफॉर्मेशन, स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी कौन सी है, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट स्कूल बिल्डिंग एंड ऑल। तो आप अपने ओन पे ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हियर इज, आर देयर एनी पॉसिबल प्लेसेस ऑफ लैंडस्लाइड इन योर एरिया, कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सपर्ट्स। क्या आपके प्लेस पे कोई चांसेस है कि लैंडस्लाइड हो सकता है, कोई ऐसे प्लेसेस है? तो ये सब्जेक्टिव आंसर है, बट एक जनरल आंसर यहाँ पर मैं करूँगा। द एरिया वेर आई स्टे इज अ प्लेन सर्फेस फार अवे फ्रॉम एनी माउंटेनस रीजन, देर आर कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड बिल्डिंग्स एंड हैव नो पॉसिबल लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड मोस्टली अकॉर इन माउंटेनियस और हिली एरियाज ड्यूरिंग हैवी रेन। सो ये एक जनरल आंसर है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए जो मोर ओवर सिटी अर्बन प्लेसेस में रहता है। बट इफ अगर आप रहते हैं माउंटेनियस या हिली रीजन में, तो इसका आंसर चेंज होगा आपके लिए, बट ये मोर ओवर एक जनरल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर एक्सप्लेन योर रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर एक पिक्चर है जहाँ पे एक बॉय है, वो कह रहे हैं आई एम एट्रिक्स। तो क्या करना चाहिए इसे, एक स्टूडेंट का रोल यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहला, द बेसिक रोल ऑफ स्टूडेंट इज अवेयरनेस। हमें अवेयरनेस करना है, लोगों का अवेयर करवाना है कि हमें क्या करना चाहिए ड्यूरिंग डिजास्टर एंड आफ्टर डिजास्टर। जैसे डूज एंड डोंट था अर्थक्वेक के लिए, वैसे भी जितने भी डिजास्टर्स हैं उनकी, जब वो डिजास्टर होता है आता है तब हमें क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट हमें पता होना चाहिए और लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि लेस पैनिकिंग होगी, तो स्टैम्पेड सिचुएशंस भी नहीं होगी, एक थोड़ा सा काम रहना चाहिए ऐसे सिचुएशंस में, वरना डिफिकल्टीज हो सकती है जो एनडीआरएफ की टीम है एंड ऑल। थर्ड है कि ऑल्सो व्हाट टू डू व्हेन डिजास्टर स्ट्राइक्स, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या डूज एंड डोंट्स है। तो यहाँ पर जो डेथ टोल है वो भी कम हो सकता है। नोइंग व्हाट टू डू आफ्टर डिजास्टर, एक बेसिक हमें फर्स्ट एड भी प्रोवाइड करना होता है एट द लीस्ट। और स्टूडेंट्स हेल्प कर सकते हैं ऑथोरिटीज को इन सेविंग लाइव्स। सम एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड एलिफेंट कैन सेंस नेचुरल डिजास्टर। यस, डॉग्स एंड एलिफेंट नेचुरल डिजास्टर को सेंस कर सकते हैं बिफोर इट हैपनिंग, लाइक अर्थक्वेक, सुनामीज, बिफोर दे हैपन। देयर स्ट्रेंज बिहेवियर हेल्प करता है हमें टू गेट अर्ली वार्निंग साइन। एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।